ब्रजेश को सुमिर के शरण कमल शिरनाई मैया सुमिर सरस्वती दीजे सब सजाए। छोड़ी गए संसार को जाई बसे सुरधाम धरती पर अब ना रहे धरती पुत्र मुला। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे महान नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन चरित्र के बारे में, जो विपिन कैशिप शरीफपुर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। आज सुमिरन करके गुरु ब्रजेश को हरे चरण कमल में शीश झुकाए मात सरस्वती को सुमिरत है मैया सत सजावो आए। गंगा मैया धार में मैया के वो मात पार हो जाई शंकर सुमन केसरी नंदन अरे लेके गदा बिराजो आए। खड़ी
हर जन्मे के उनकी गाथा रहे हैं सुना। ग्राम शैभई में किस प्रकार से बाबर शैव ने अवतार धारण किया, अपरंपार प्रभु की लीला न्यारी है। साथियों, इस प्रकार से सन 1939 में 22 नवंबर को माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ। इटावा जिला के अंतर्गत जो ग्राम शैफई पड़ता है, आप सभी भक्त इस गांव से भलीभांत परिचित हैं। दोस्तों, यादव परिवार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ। पिता सुघर सिंह और मैया मूर्ति देवी के 5 पुत्र हुए हैं। जो प्रमाण हमें मिला, इनके बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है रतन सिंह, इनसे छोटे थे मुलायम सिंह, तीसरे नंबर पर आते हैं अभय राम और चौथे नंबर पर थे शिवपाल।
पांचवें जो पुत्र थे इनका नाम था राजपाल सिंह। एक बेटी हुई जिस बेटी का नाम कमला देवी रखा गया। इस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, अरे आंगन में बज रही बधैया लला, अरे आंगन में और बज रही बधैया और लला घरनी को भयो है। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म जब हुआ, सारा परिवार खुशी से उछलने लगा है। मैया मूर्ति देवी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है और मुलायम सिंह यादव जी के जन्म की खुशी में, अरे आंगन में बज रही बधैया, आंगन में बज रही बधैया लला घरनी को भयो है। जुड़ मिल नारी घर में आई, नारी घर में आई, अब नाचे ताता थैया, अरे नाचे ताता थैया लला घरनी को भयो। अरे आंगन में बज रही बधैया लला घरनी को भयो है। अरे नाचे गावे सब खुशियां मनावे, नाना प्रकार से शैफई की नारियां मंगल गान करती हैं और नृत्य करती हैं। अरे नाचे गावे सब खुशियां मनावे, इत मगन मूर्ति मैया, मगन मूर्ति मैया लला घरनी को भयो है। यादव जी का जन्म हुआ। जब ये थोड़े बड़े हुए, पढ़ने के योग्य हुए, पिता सुघर सिंह मैया मूर्ति देवी ने इन्हें पढ़ने के लिए जब एक स्कूल में बिठा दिया, शिक्षा का अध्ययन करते रहे। अंत में आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एमए और बीटीसी करने के उपरांत जब इंटर कॉलेज में ये प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए, कुछ दिन तो इन्होंने विद्यालय में बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराया। उसके बाद इन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इनके पिता जो सुघर सिंह यादव जी थे, इनके मन में एक विचार था
कि मैं अपने पुत्र मुलायम सिंह को पहलवान बनाऊंगा। अरे सुघर सिंह मन सोच रहे हैं भाई, अपने बेटा की करही खूब चुमाई, सुघर सिंह यादव जी के हृदय में विचार आया, मैं अपने पुत्र मुलायम को खिला पिला करके तंदुरुस्त बनाऊंगा और अपने इस बच्चे को पहलवान बनाऊंगा। सोच रहे हैं मन में, महाराज बने ये पहलवान निर्लाज, अपने बेटा के संग में, अरे अपने बेटा के में संग में रहूं सदा खुशहाल। भैया हरिगति अपरंपार, कथायब सुनो य नारी है, भैया विधिगति अपरंपार, कथायब सुनो य नारी है, परंपार कथाय सुनो ये नारी है। सुघर सिंह यादव जी ने मन में सोचा, मैं अपने पुत्र मुलायम को पहलवान बनाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी की बड़े ही सुंदर भाव से परवरिश करने लगे और इतना हट्टा कट्टा जवान बना दिया, जिस जगह पर ये कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं प्रथम आते हैं, इनके बराबर कोई भी पहलवान टिकता नहीं है। इसी प्रकार से पहलवानी करते हुए जब कुछ दिन बीत गए, इनका विवाह हुआ। प्रमाण यह मिलता है कि मुलायम सिंह यादव जी का एक विवाह नहीं हुआ, इनके दो विवाह हुए। जो प्रमाण हमें मिला, जरा गौर करें, अरे पहली शादी भई और मालती देवी घर आई, का पहला विवाह हुआ जिनका नाम मालती देवी बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी का पहला विवाह मालती देवी के साथ में हुआ और मैया मालती ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जो अपनी यूपी का बच्चा बच्चा उस बच्चे को जानता है। अरे पहली शादी भई मालती देवी घर आई, उन पुत्र जने अखिलेश मात निज मन में हरसाई, भैया अखिलेश जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
इन अखिलेश का जन्म हुआ मालती देवी के उधर से, और इन अखिलेश यादव जी का विवाह डिंपल के साथ में हुआ, और इन डिंपल से अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। टीना और अदिति नाम की दो बिटियां पैदा हुई। उसके बाद इनका जो दूसरा विवाह हुआ उसके बारे में भी हम प्रकाश डालते हैं। अरे विवाह मेरे दूजो करियो, अरे विवाह फिरी दूजो करियो, फिर नार साधना देख सभी को मगन भयो हियो। दूसरा विवाह इनका हुआ है साधना गुप्ता के साथ में, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और प्रवीण थी। अरे साधना देवी सुखदाई, उन बेटा जनों प्रतीक शुभ घड़ी आंगन में आई। दूसरा विवाह साधना गुप्ता के साथ में हुआ। प्रमाण ये भी मिला है कि ये साधना गुप्ता कुछ दिन पहले इनका निधन हो चुका है। इन साधना के द्वारा प्रतीक नाम का पुत्र पैदा हुआ। इन प्रतीक का विवाह अपर्णा से हुआ है, और अपर्णा से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम प्रतिमा रखा गया है। अरे समय अपनी को आई रहो, इस तरह से माननीय नेताजी अपने परिवार में जब खुश रहने लगे और अपनी पहलवानी में जब ये आगे बढ़े हैं। अरे समय अपनी को आई गो, अरे मैनपुरी एक दंगल में एक मल गिराई लो। मैनपुरी में एक विशाल दंगल हुआ, जिस विशाल दंगल में अपने से भी मजबूत पहलवान को जब इन्होंने गिराया, उस जगह पर चौधरी नथु सिंह जी बैठे हुए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जब उस जोश को देखा है तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को अपने पास में बुलाया। अरे वहां थे नथु सिंह भाई, अरे वहां थे नथु सिंह भाई, भाई कुश्ती देख के खुशी पास अपने लए दबाई। उस कुश्ती को देख करके नथु सिंह चौधरी के दिमाग में बात आई, इशारा देकर के इन्होंने नेताजी को अपने पास में बुलाया और समझा करके बोले हैं, बेटा अरे कही नेताजी से बानी, लो राजनीति अपनाई मुलायम बात ले ओ मानी। अरे
चौधरी नत्थू सिंह जी ने यह कहा कि हमारी एक बात मानो, इस अखाड़े को छोड़ करके तुम राजनीति के अखाड़े में आ जाओ। भाइयों, यहां से आगे की जो गाथा है वो हम वॉल्यूम नंबर 2 में दर्शाएंगे। हमारे प्रिय दर्शक, हमारे इन शब्दों को श्रवण करने के बाद में वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें।